हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त एमएम खान, और आज हम बात करने वाले हैं नए कॉन्सेप्ट में रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एस्टोनिया वन में अपनी आईडी कैसे लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट का नाम हमारा है एस्टोनिया वन। एस्टोनिया वन आप जैसे ही लिखेंगे तो इस तरीके का ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। और इसमें आपको यहाँ पे एक दो ब्लू कलर के आइकन दिखेंगे, एक में ज्वाइन अस और एक में लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज्वाइन अस पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन निकल के आएंगे, एक रेफरल आईडी, प्लेसमेंट आईडी और पोजिशन। और ऊपर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर दिए गए। यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है, रेफरल डिटेल, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और लॉगिन डिटेल। तो चलिए हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे रेफरल आईडी। तो रेफरल आईडी में आपको वो आईडी डालना है जो जिसके स्पॉन्सर से आप लगाना चाहते हैं। यानी अगर आप किसी की आईडी लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी आईडी डालेंगे, और किस बंदे के डाउन में लगा रहे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट अंडर में उसकी आईडी डालेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे आईडी डालते हैं, यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे आईडी डालने के बाद में, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, इससे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आईडी उस सही है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे पोजीशन देखेंगे, तो यहाँ पे दो पोजीशन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो आपको पोजीशन चेक कर लेना है कि आपको कहाँ पे आईडी लगाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम, और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे पर्सनल डिटेल का आएगा। पर्सनल डिटेल में उस बंदे का नाम डालना है, यहाँ पे योर नेम लिखा है, उसमें नाम डालना है कि उस बंदे का नाम क्या है एज पर पैन कार्ड, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको ईयर डालना है, उसके बाद में मंथ डालना है, उसके बाद में डे। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर तीन। अब इस कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, प्रॉपर एड्रेस फिल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में पिन कोड, और पिन कोड डालने के बाद आप कहीं पे भी स्क्रीन पे टच करेंगे तो स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। कई बार केस में ऐसा होता है जैसे दिल्ली के, अगर हम पिन कोड डालें तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मैनुअली फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल कर दीजिए। उसके बाद में ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आप फिल कर दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी आपको स्मॉल लेटर में फिल करना है। और नेक्स्ट है आपका पैन कार्ड, तो पैन कार्ड आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। इस तरीके से हम ये डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद में आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का आपको नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। बस इतना प्रोसेस है। इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में लॉगिन डिटेल, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप अपनी चॉइस से कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड फिल कर दिया। अब इसके बाद में हमें सबमिट पे क्लिक करना है। ध्यान रखना, ये जो पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पे ये आपका जो स्पॉन्सर आईडी है वो सही है, ठीक है। उसके बाद में पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और इतना करने पे आप एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारी आईडी जनरेट हो जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर आ गया, नाम आ गया, हमने किसकी आईडी लगाई है, जिस सिटी से वो सिटी आ गई, और प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड और रजिस्ट्रेशन की डेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पिक ले सकते हैं मोबाइल से, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, मैं इसका एक पिक ले लेता हूँ। ये मैंने आपको बिल्कुल लाइव और सही तरीके से एक ओरिजिनल आईडी लगा के दिखाई है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये आईडी को कॉपी कर लेना है, ताकि नेक्स्ट आईडी लगाने में आप भूल ना जाए। इसको कॉपी कर लेंगे, बस इतना प्रोसेस आपको करना है, बस सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा।